iOS 17 का डेवलपर बीटा 2 रिलीज हो चुका है, तो चलिए हम जानते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमें नई मिलने वाली हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या बग फिक्सेस की गई हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अविटेक। ऐसे ही मजेदार आईफोन से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन के लिए अविटेक को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि iOS 17 बीटा 2 में हमें क्या क्या कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो iOS 17 बीटा 2 का जो साइज है उसके बारे में। तो ये जो साइज है iOS 17 बीटा 2 का, वो अप्रॉक्स 1.44 GB की अपडेट आई हुई थी मेरे iPhone 14 Pro में, तो ये काफी बड़ा साइज का अपडेट है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे इसमें चेंजेस के बारे में, तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देते हैं iOS 17 का जो सॉफ्टवेयर अपडेट पेज है उसमें क्या कुछ नया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और साथ में एक इंस्टॉल टू नाइट का ऑप्शन है। इंस्टॉल नाउ का फीचर जो है वो अगर अभी के अभी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं डाउनलोड होने के बाद iOS 17 बीटा 2 को, तो आप यहाँ पे वो बटन को टैप करके अपने iPhone में iOS 17 बीटा 2 को इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा चीज है इंस्टॉल टू नाइट का। अगर इंस्टॉल टू नाइट का आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो आपका जो आईफोन है जब लॉक होगा और साथ ही साथ इनफ चार्ज होगा आपके आईफोन में, तो वो खुद ब खुद ये iOS 17 बीटा 2 को आपके आईफोन में इंस्टॉल कर देगा। साथ ही साथ अगर आपके आईफोन में ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑन है यहाँ पे, अगर आपने ऑन करके रखा हुआ है, तो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक डाउनलोड इन प्रोग्रेस का एक आपको अलग से ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि इंस्टॉल वंस डाउनलोडेड का भी एक ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पे टैप करेंगे, तो जब आपका आईफोन में ऑटोमेटिक जो डाउनलोड है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब आप यहाँ पे आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वो चीज आप अभी से ही यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे iOS 17 बीटा 2 लिखा हुआ मिलेगा आपको, जो कि पहले यहाँ पे डेवलपर बीटा होता था, लेकिन यहाँ पे अभी पता नहीं क्यों एप्पल ने यहाँ से डेवलपर हटाकर सिर्फ और सिर्फ बीटा कर दिया है। तो आपको iOS 17 बीटा 2 देखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ iOS 17 डेवलपर बीटा 2। अब हम बात करते हैं क्या कुछ नया इसमें चेंजेस मिली है हमें। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मॉडर्न फर्मवेयर की बात करें, तो यहाँ पे पहले जो मेरा अपडेट से पहले था वो 2.0.2.001 था, और यही चीज अगर मैं अभी आपको दिखाऊं अभी के टाइम में, तो मेरा जो आईफोन है उसमें मॉडर्न फर्मवेयर जो है वो चेंज है यहाँ पे 2.04.00 है। ये मेरा जो आईफोन है iPhone 14 Pro है, इसमें यहाँ पे मॉडर्न फर्मवेयर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम बात करते हैं अवेलेबल स्टोरेज की, अपडेट के बाद स्टोरेज में क्या कुछ चेंजेस आए हैं। तो अवेलेबल स्टोरेज की बात करें, तो अभी मेरा जो अवेलेबल स्टोरेज है वो है 77.74 GB, और यही चीज जो पहले थी अपडेट से पहले वो थी 62.64 GB। तो लगभग यहाँ 10 से 12 GB जो अपडेट के बाद मेरे आईफोन में स्पेस खुद ब खुद बढ़ गया है, अवेलेबल स्टोरेज बढ़ चुकी है। इसका मतलब जो स्पेस है वो फ्री अप किया गया है iOS 17 बीटा 2 में। फिर अगर आप ध्यान देंगे iOS वर्जन पे, तो यहाँ पे आपको देखने को iOS वर्जन में लास्ट में H मिलेगा, जबकि पहले जो iOS वर्जन थी यहाँ पे उसमें हमें V देखने को मिल रहा था। तो बेसिकली एप्पल धीरे धीरे करके ये कम करेगी, पहले V था अभी H आया, फिर लास्ट में जाकर A होगा, जबकि हमें जो स्टेबल वर्जन होगी iOS 17 की जो कि सितंबर में आने वाला है उसमें यहाँ पे A वर्जन देखने को मिल सकता है हमें। iOS 17 बीटा 2 की बात करें, तो एक और जो चेंज मुझे देखने को मिला वो है क्लॉक एप्लीकेशन से। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो अलार्म्स आपको देखने को मिलेगा क्लॉक ऐप में, और साथ में यहाँ पे टाइमर्स देखने को मिलेगा। पहले जो यहाँ पे टाइमर होता था और अलार्म होता था, वो अब इसमें अलार्म्स और टाइमर्स में चेंज कर दिया गया है। टाइमर्स इसलिए किया गया है क्योंकि iOS 17 में मल्टीपल टाइमर्स लगाने के लिए हमें फीचर दी गई है, तो जिसके कारण यहाँ पे टाइमर को टाइमर्स में चेंज कर दिया गया है। मैं आपको डेवलपर बीटा 1 में दिखा दूं, यहाँ पे आप देखेंगे पहले अलार्म हुआ करता था और यहाँ पे टाइमर, जो कि अब यहाँ पे अलार्म्स और टाइमर्स में चेंज हो चुका है। अब चलिए हम बात करते हैं कि क्या कुछ नया मिलने वाला है हमें iOS 17 बीटा 2 में। तो पहला जो है विजिट से रिलेटेड है। विजिट को आप जैसे ही यहाँ पे विजिट में जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ क्लॉक में जाते हैं, तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे विजिट के लिए। लेकिन एक जो नया फीचर है वो है यहाँ पे क्लॉक विजिट जो है वो ट्रांसपेरेंट मोड में हमें यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऐड विजिट करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ हमारा जो विजिट है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। आप इसको मूव करके कहीं और पे भी रखेंगे तो वो चीज आप देखेंगे, उसके जो क्लॉक के पीछे जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है, जो आपका वॉलपेपर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी कलर को खुद ब खुद चेंज हो जा रही है। बात करें हम विजिट की, तो विजिट में एप्पल म्यूजिक में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। एप्पल म्यूजिक की जो विजिट है उसमें पहले यहाँ पे 5 विजिट ही आती थी, लेकिन अब आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। मैं बीटा 1 में आपको दिखा दूं, बीटा 1 का जो एप्पल म्यूजिक का विजिट था वो कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पे सिर्फ 5 विजिट हुआ करते थे, लेकिन अभी आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा। ये जो साइजेस हैं इसमें आपको चेंज
सेटिंग्स देखने को मिलेगा यहाँ पे विजिट में। तो अगर आप एप्पल म्यूजिक यूजर हैं और एप्पल म्यूजिक के विजिट को यूज करना पसंद करते हैं तो ये जो अपडेट है आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे आपको एप्पल म्यूजिक से रिलेटेड काफी सारे विजिट मिलने वाले हैं। अगला जो iOS 17 बीटा 2 का फीचर है वो है सीरी से रिलेटेड। पहले जब सीरी को मैं एक्टिवेट करता था तो मुझे यहाँ पे एक बार हैप्टिक फीडबैक मिलता था, लेकिन अभी जब मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ सीरी को एक्टिवेट करने के लिए तो जो यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक है उसमें चेंजेस की गई है। हैप्टिक फीडबैक पहले एक बार आती थी लेकिन अभी मुझे 2 से 3 बार यहाँ पे फील हो रही है। अगला जो फीचर है वो भी सीरी से रिलेटेड है। अगर आप सीरी को कमांड करते हैं टेक्स्ट मैसेज को सेंड करने के लिए या किसी को टेक्स्ट करने के लिए तो इसमें आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ सीरी को, सेंड अ टेक्स्ट मैसेज टू अवि टेकी। व्हाट डू यू वांट टू से? हाय, हाउ आर यू? योर मैसेज सेज हाय, हाउ आर यू? डू यू वांट टू सेंड इट और चेंज इट? तो जैसे मैंने यहाँ पे सीरी को कमांड किया मैसेज सेंड करने के लिए तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सीरी का एक पॉपअप आया जिसमें कि मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आया और ये मेरे मैसेज को यहाँ पे इसने टाइप कर दिया और साथ ही साथ डिक्टेट भी किया कि मैंने मैसेज क्या यहाँ पे टाइप करने को कहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैसेज के बगल में एक ड्रॉप डाउन एरो टाइप का है, इस पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी एप्लीकेशंस हैं आपके आईफोन में वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैसेजिंग एप्लीकेशंस यहाँ पे दिखेंगे जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप पे सेंड करना तो व्हाट्सएप पे भी आप सेंड कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम वगैरह जो भी चीजें हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक नया फीचर है जो कि iOS 17 बीटा 2 में हमें देखने को मिला है जो कि काफी एक बेहतरीन फीचर है। नेक्स्ट फीचर जो है वो भी सीरी से रिलेटेड है। अब आप सीरी की मदद से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं iOS 17 बीटा 2 में। हे सीरी, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो चेंज है वो है स्टैंड बाई में। अगर आप स्टैंड बाई में जाते हैं तो आपको यहाँ पे नया ऑप्शंस देखने को मिलेगा। पहले जैसे डेवलपर बीटा 1 में आपको स्टैंड बाई का ऑप्शन दिखता था और सिर्फ यहाँ पे नाइट मोड दिखती थी, लेकिन यहाँ पे आपको अब एक नाइट मोड में ऑप्शंस देखने को मिलेंगे मोशन टू वेक का और साथ ही साथ शो नोटिफिकेशन का यहाँ पे फीचर ऐड किया गया है जिसकी मदद से आप अगर चाहें तो स्टैंड बाई में नोटिफिकेशंस को इनेबल कर सकते हैं साथ ही साथ डिसेबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो है एप्पल म्यूजिक से रिलेटेड। एप्पल म्यूजिक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्रॉसफेड देखने को मिल रहा होगा जो कि iOS 17 में इनेबल किया गया था। क्रॉसफेड फीचर, क्रॉसफेड फीचर बेसिकली वो फीचर है जिसमें कि आप एक सॉन्ग से दूसरे सॉन्ग पे या फिर एक म्यूजिक ट्रैक से दूसरे म्यूजिक ट्रैक पे जाते हैं तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, जो वेट टाइम होता है, उसको क्रॉसफेड बोलते हैं। तो क्रॉसफेड आप इनेबल करके यहाँ पे इसके टाइमिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 सेकंड है, 12 सेकंड है, 1 सेकंड से लेकर 12 सेकंड तक आप जो भी चाहें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जितने सेकंड्स आप क्रॉसफेड के लिए टाइमिंग रखना चाहते हैं। अगर हम बात करें iOS 17 बीटा 1 में क्रॉसफेड फीचर के लिए तो जैसे ही मैं म्यूजिक में यहाँ पे जाता था पहले और उसके बाद क्रॉसफेड फीचर को इनेबल करने की कोशिश करता था तो जो सेटिंग थी वो सेटिंग्स खुद ब खुद क्रैश हो जाती थी और क्रैश होने के बाद मुझे फिर से सेटिंग्स को ओपन करना पड़ता था। तो ये जो प्रॉब्लम थी, बग्स थी, इसमें फिक्स कर दी गई है। क्रॉसफेड मैं यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकता हूँ। अगला जो फीचर है वो है सफारी से रिलेटेड। सफारी में आप जाएंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल्स ऐड करने के लिए फीचर दी गई है। iOS 17 में एप्पल ने एक नया फीचर रिलीज किया है जिसमें कि आप सफारी में प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं, होम प्रोफाइल रख सकते हैं, पर्सनल प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू प्रोफाइल में जाएंगे न्यू प्रोफाइल सेटअप करने के लिए तो जैसे पहले आप iOS 17 बीटा 1 में जाते थे तो सफारी में यहाँ प्रोफाइल्स में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता था, लेकिन ये सारे फीचर्स तो iOS 17 बीटा 2 में है और बीटा 1 में भी है। लेकिन जो चेंजेस है यहाँ पे वो है डार्क और लाइट मोड का। यहाँ पे जो चेंज ऐड किया गया है iOS 17 बीटा 2 में जो कि पहले बीटा 1 में नहीं था। फिर जो नया फीचर है वो है एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद अगर आप टच पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको हैप्टिक टच देखने को मिलता है जिसमें कि जैसे पहले 3D टच वाले जो फोन हुआ करते थे उसमें आपको यहाँ पे 3D टच की जो ड्यूरेशन होती थी वो यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता था, स्लो, डिफॉल्ट और फास्ट का। तो यहाँ पे आप वो चीजें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें हैप्टिक टच जो बीटा 1 में था उसमें आपको फास्ट और स्लो सिर्फ देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे बीटा 2 में आपको फास्ट, डिफॉल्ट और स्लो 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सेटिंग्स में आप अगर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाते हैं और उसके बाद फिर लोकेशन सर्विसेज में तो यहाँ पे सबसे नीचे आने के बाद सिस्टम सर्विसेज है, इस पे अगर आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक माइक्रो लोकेशन ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि बीटा 1 में पहले से अवेलेबल नहीं था। मैं आपको यहाँ पे बीटा 1 में दिखा देता हूँ, ये जो ऑप्शन था वो अवेलेबल पहले से नहीं था, लेकिन अभी बीटा 2 में ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये चीजें मुझे नहीं पता है कि एप्पल ने ये जो माइक्रो लोकेशन फीचर है वो क्यों यहाँ पे इनेबल किया हुआ है। हो सकता है कि जो चेंजेस है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ एयर
ड्रॉप जो सेकेंड जनरेशन है उसके लिए यूज किया गया होगा, जो नेम ड्रॉप का जो फीचर एड किया है एप्पल ने अभी iOS 17 में, जिसमें कि दोनों फोन को सामने रख के आप आसानी से शेयर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने नेम कार्ड को भी आप यहां से शेयर कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये जो माइक्रो लोकेशन फीचर है उसके लिए यहां पे ऐड किया गया है। iOS 17 बीटा 2 का जो सबसे बेहतरीन फीचर है वो है नेम ड्रॉप, या फिर यू कहे तो एयर ड्रॉप 2। तो इसमें आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ अगर अपने कॉन्टैक्ट्स को शेयर करना चाहते हैं, फाइल्स को शेयर करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको अपने आईफोन को कुछ इस तरह से लाना है एक दूसरे के पास और आपका जो कॉन्टैक्ट्स होगा वो ऐसे शेयर हो जाएगा। फाइल्स को भी आप कुछ इस तरह से शेयर कर सकते हैं। iOS 17 बीटा 1 में पहले जब मैं अवेलेबल स्टोरेज को चेक करता था यहाँ अबाउट में, तो यहाँ मुझे 58.76 GB शो हो रहा था, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे आईफोन स्टोरेज में गया तो मेरा जो अवेलेबल स्टोरेज है यहाँ पे वो कुछ डिफरेंट था। जैसे कि यहाँ पे मुझे 90 GB के लगभग यहाँ फ्री स्टोरेज शो हो रहा है, लेकिन वहीं अगर अबाउट में मैं चेक करूँ तो यहाँ पे 58.74 GB अवेलेबल यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। लेकिन अगर वहीं 17 बीटा 2 में अगर मैं बात करूँ तो जैसे अवेलेबल स्टोरेज यहाँ पे 77.69 GB मेरा शो हो रहा है, वहीं अगर मैं आईफोन स्टोरेज में जाऊँ तो भी यहाँ पे 77.82 शो हो रहा है। मतलब तो ये जो बग थी पहले, जो आईफोन स्टोरेज बग थी, वो यहाँ पे चेंज की गई है, वो फिक्स की गई है iOS 17 बीटा 2 में। बात करें अगर बैटरी लाइफ की, तो अभी तक मैंने जब से इसको अपडेट किया है वैसा कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, लेकिन iOS 17 बीटा 1 में मुझे जो बैटरी बैकअप मिल रही थी उससे थोड़ा ज्यादा इसमें देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो स्टेबल वर्जन है iOS 16 की उसमें जो मुझे बैकअप मिल रहा था मेरा iPhone 14 Pro में, वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन फिर भी स्लाइटली इसमें चेंजेस की गई है। मतलब थोड़ा सा जो बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज हो चुका है iOS 17 बीटा 1 से 17 बीटा 2 में। तो दोस्तों बस इतना ही था iOS 17 बीटा 2 के अपडेट्स के बारे में, चेंजेस बग्स वगैरह के बारे में। अगर आप चाहते हैं iOS 17 से रिलेटेड और भी जो बीटास आने वाले हैं उनके बारे में, बग्स फिक्सेस या फिर क्या कुछ नया है वो सब जानना चाहते हैं, तो अवी टेकी को सब्सक्राइब करना न भूले। मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।